रापरखेड़ा बिजली घर 500 मेगावाट में सिंह इंटेलिजेंस सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड अंतर्गत करीब 102 निजी सुरक्षा रक्षक काम कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से सिंह सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निजी सुरक्षा रक्षकों का शोषण होने का मामला उजागर हुआ। शुक्रवार से सुरक्षा रक्षकों ने काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि जब से सिंह सिक्योरिटी को काम मिला तो सुरक्षा रक्षकों का शोषण होना शुरू हुआ। बिजली घर में सिंह सिक्योरिटी अंतर्गत निजी सुरक्षा रक्षक बिजली घर की सुरक्षा करते हैं, लेकिन सिंह सिक्योरिटी कंपनी अपनी मनमानी कर रही है। सुरक्षा रक्षकों के पेमेंट से भविष्य निर्वाह निधि कपात करने पर भी समय समय पर पीएफ भरा नहीं जाता। इतना ही नहीं तो ईएसआईसी के रुपए काटने के बावजूद भी सुरक्षा रक्षकों को बीमा अस्पताल से इलाज नहीं मिलने पर आर्थिक रूप से परेशानी हो रही है। महाजनों को प्रशासन हमेशा ठेका कर्मियों के वेतन नियमित कराने के लिए ठेकेदार को निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन ठेकेदार सुरक्षा रक्षकों का सिर्फ शोषण करते हैं। इसी की शिकायत महाजन को प्रशासन को करने के बावजूद भी सब ऑल इज वेल शुरू है, जिससे सुरक्षा रक्षक संतप्त होकर शुक्रवार से उन्होंने काम बंद आंदोलन की भूमिका अपनाई। आज शनिवार को पंचायत समिति सदस्य राहुल तिवारी ने आंदोलन स्थल पर भेज देकर सुरक्षा रक्षकों की मांग को समर्थन दिया। न्याय की भूमिका को मद्देनजर रखते बिजली घर के मुख्य अभियंता से अवगत किया जाने का आश्वासन दिया गया। 7 से 10 तारीख के बीच 10 तारीख तक नियमित रूप से कभी पेमेंट नहीं किया जाता। इन सुरक्षा रक्षकों को हमेशा मानसिक तकलीफ का सामना झेलना पड़ रहा है, जिससे निजी सुरक्षा रक्षकों को काम बंद आंदोलन करते हुए रास्तों पर उतरना पड़ा। जब तक निजी सुरक्षा रक्षकों की मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा, नहीं तो तीव्र आंदोलन कराने की चेतावनी सुरक्षा रक्षकों ने दी। काम बंद आंदोलन यासाठी आहे की प्रशासनाकडून वारंवार परिपत्रक काढलं गेलेलं आहे। 2015 परिपत्रक काढलं होतं मासे मंत्र साहेबाच्या मार्फत अश्विनी विद्युत केंद्रामध्ये। मागं आम्ही 16 डिसेंबरला जे संप घेतला होता सर्व कंत्राटी कामगारांचा, तेव्हासुद्धा आम्हाला श्री साहेबांनी परिपत्रक दिलं आहे की याच्यानंतर कोणत्याही कंत्राटी कामगारांचा 7 ते 10 तारखेच्या आतमध्येच पेमेंट होईल याची मी गवाही देतो असं परिपत्रक काढलं होतं। आता नव्यानं 25 फरवरी 2022 मंता साहेब यांचं नव्यानं परिपत्रक आहे का सर्व कंत्राटी कामगारांना 7 ते 10च्या आतमध्ये पेमेंट करण्यात येतील। आणि एवढे सगळे परिपत्रक असतानासुद्धा 2021 या सिंग इंटेलिजंट या कंपनीले टेंडर होता, त्या टेंडरमध्ये त्यांना वर्षभर आम्हाला पगार टायमावर न देता 2-2 महिन्यात पगार करत गेला। आम्ही हातासून गेलो त्यांना वारंवार पत्रव्यवहार करून संघटनेच्या मार्फत कामगारांच्या मार्फत वारंवार यांना पत्रव्यवहार करून साहेब यांची कुठंतरी जाग आलेला नाही, त्यासाठी आम्हा सर्व सुरक्षा रक्षक खासगी सुरक्षा रक्षकांना। खापरखेडा से NVCN न्यूज के लिए दिलीप गजभिये की रिपोर्ट।